ऑटो वाला देख रहे तो मेरे कैमरे लाके दे दो। सुबह उठने का टेंशन नहीं, ऑफिस जाने का भी टेंशन नहीं, मौजी मस्ती का ये दिन प्यारा, ये दिन लागे सबको प्यारा। क्यों देर से ये आता, सब दिन प्यारा पर संदेशा कोई नहीं, सब दिन प्यारा पर संदेशा कोई नहीं। Hey guys, what up everybody? It's your boy Danish Z and back at it again with a new video. Okay, so मुझे पता है मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हैं, मुझे बोलेंगे तू कहाँ है भाई, तू करना क्या चाहता है, तू है कहाँ इतने दिनों से। बोले डेली ब्लॉग्स करूँगा, तेरे ब्लॉग ही नहीं आ रहे। सो गाइस मुझे पता है मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे हैं, मैं से नहीं बोल सब ऐसे हैं, बट कुछ कुछ ऐसे हैं जैसे भी है, सब बहुत अच्छे, बट कुछ कुछ ऐसे कि कुछ लोग समझ के लेते हैं कि हाँ भाई बंदा प्रॉब्लम है इसलिए वीडियोज नहीं ड्रॉप कर रहा है। बट कुछ सब्सक्राइबर्स बिल्कुल जियोन की तरह है, वाओ जियोन मेरी बिल्डिंग का नाम है। सो वही ब्लॉग्स नहीं आ रहे, तुमने बोला था आएगी ब्लॉग्स नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। एक चीज़ और, अब कुछ लोग बोलेंगे क्वालिटी में फ़र्क लग रहा है, तो क्वालिटी में कुछ फ़र्क नहीं लग रहा है, मैं अपना आईफोन 7 प्लस से शूट कर रहा हूँ। खुद जो तुम्हारा फैमरा है ना फैमरा, उसने पता है क्या किया, कल एक ऑटो वाले को अपना कैमरा दान कर दिया। अगर ये ऑटो वाला वीडियो देख रहा था भाई कैमरा वापस ला के दे दो प्लीज। सच में अगर भाई ऑटो वाला वीडियो देख रहा तो कैमरा वापस ला के दे दो भाई, मेरा जीवन एक्स अभी लिया था 2 महीने पहले। सो भाई तो प्रॉब्लम नहीं है भाई, जब तक कैमरा नहीं आता हम लोग अपने 7 प्लस से शूट करेंगे और नहीं करेंगे। सो भाई गाइस पता नहीं हम लोग आज क्या करने वाले क्या नहीं, बट हमेशा की तरह हम जो भी करेंगे उसमें बहुत मजा आएगा। सो चलो चलते हैं देखते हैं। गाइस बाहर जाने के पहले मुझे तुम लोगों को कुछ चीज़ें दिखानी है, जैसे कि मुझे बहुत लोगों ने बोला था मैंने बहुत टाइम से कोई मार्केट एक्सप्लोर नहीं किया, कोई शूज़ वगैरह के बारे में नहीं बताया, तो गाइस आज मैं तुम लोगों को थोड़े बहुत शूज़ बताऊंगा, मैं तुम लोगों को थोड़े बहुत बताऊंगा। वो साइट के ऊपर 250-300 से ज़्यादा शूज़ अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तुम जाके डायरेक्टली चेक कर सकते हो। कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं कुछ नहीं, तुम लोग जाओ डायरेक्टली वो साइट से ऑर्डर करो, कैश ऑन डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया, शूज़ तुम लोगों के हाथ में आएगा, तुम्हें पैसे पे करने, बेस्ट क्वालिटी शूज़ है। वेबसाइट का जो भी लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर पहले रो में होगा। सो भाई तो मैं अभी तुम लोगों को शूज़ बता दूँ, तुम लोग देखो, मैं 2 से 3 शूज़ बताऊंगा उससे ज़्यादा नहीं, तुम लोग देखो। एंड तुम्हें और शूज़ देखने तो जाओ उस वेबसाइट पे देखो, मैं शूज़ इसलिए बता रहा हूँ उसमें क्वालिटी का अंदाज़ा होगा। सो भाई मैं अभी रो रहा हूँ, मेरा शूज़ ऑटो वाले का इंटीरियर ना पिंक कलर का था, उसने पिंक कलर का कुछ बनाया भी था। जियोन दे दो ना भाई कैमरा ला के, ऐसा करोगे ना। ओके सो भाई सबसे पहला शूज़ मैं तुम लोगों को बताऊँगा वो है, हाँ आराम से ये तुम उसका क्वालिटी देख सकते हो जो भी है, उस वेबसाइट पे सारे शूज सेम क्वालिटी के अवेलेबल है, उस वेबसाइट पे सारे शूज सेम क्वालिटी के अवेलेबल है, जैसे तुम देख सकते हो सब क्वालिटी। नो कैसे दिखाऊं मैं, ये एफडीआर, दूसरा है ऐसे बहुत से शूज है डूड, सारे सब सेम क्वालिटी के, तुम जाके वहाँ पर देख सकते हो, मुझे दिखाने मिलेंगे, मैं तुमको दिखा रहा हूँ। तो ऐसे मोर देन 250 शूज अवेलेबल है उस वेबसाइट पे, तुम लोग जाकर देख सकते हो, तुम्हें जो भी देखने हैं। ये NMD रनर अप, सो भाई जो कोई भी इंटरेस्टेड है कैश ऑन डिलीवरी पे, फ्री होम डिलीवरी, सब शूज़ अवेलेबल है। अयो तुम लोग जाओ अपने साइज का शूज़ ऑर्डर करो, एंड शूज़ तुम्हारे घर पर आने का तुम्हें पैसे पे करने। सो वह ही तो अभी बाहर चलते हैं एंड देखते हैं आज क्या करने मिलेगा और क्या नहीं। मेरे 51,000 ऑटो वाला देख रहे तो मेरे कैमरा ला के दे दो। ओके सो गाइस फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं KTM सर्विस सेंटर का, ये जो 390 है ये मेरी नहीं है, ये मेरे फ्रेंड की है, और बात जो वहाँ पर पेट्रोल भरा रहा है वो जो 390 पे वो 390 मेरी है। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं KTM सर्विस सेंटर का, जिसे सर्विसिंग के लिए देना है, और इसके अंदर कुछ ABS फेलियर का बार प्रॉब्लम बताता है, तो ये उसी के अंदर उसी के लिए देना है हमें सर्विस सेंटर। बाय द वे ये मजबूत है, मतलब बहुत बाकी है, वो 390 बाकी है, वो मैंने 182 बोला है लास्ट टॉप स्पीड, इसका टॉप स्पीड हमने चेक नहीं किया स्पोर्ट्स मोड के अंदर, इसे हमें चेक करना है कि इसका टॉप स्पीड क्या है। तो वही
बार ये बन के आ जाते हैं मिस्टर डॉक्टर, चेक करेंगे हम लोग क्या है क्या नहीं। अगर गोप्रो होता तो उसका मैं रिकॉर्ड करके तुम लोगों को दिखाता 182, वो मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को रिकॉर्ड करके 182 हो जाती है। तो कहाँ गया जब सब भाई, तो चलो चलते हैं देखते हैं। मेरे पीछे कोई बैठा नहीं है तुम लोगों को रोड के सीन रिकॉर्ड करके दिखाएगा, तो मुझे फ़ोन जेब में रखना पड़ेगा, एन ए सी निकलना पड़ेगा। चलो चलते एक बार वहाँ पहुँचेंगे तो ब्लॉक कंटिन्यू करते हैं। सो भाई चले ये क्या था, ये क्या था, तो वो 390 390 मेरी है, 390 उसकी है। तो भाई हम लोग एक्सचेंज करके चला रहे हैं, तो वहाँ उधर पहुँचेंगे तो बात करते हैं। बहुत पसीना आ रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, डूड मेरा पूरा फेस लाल हो गया। चलो चलते हैं देखते हैं कितनी भी बड़ी बाइक है। ओके सो फाइनली KTM सर्विस सेंटर अभी जाएंगे, वो बाइक को देंगे सर्विसिंग के लिए। और वो मेरी वो मेरी अभी सर्विसिंग देंगे इसका। एक्चुअली मुझे फेयरिंग टेंशन आ रहा था, मैं पूछ रहा उसे फेयरिंग अवेलेबल यहाँ पर है कि नहीं है। सो वो और इसके मैंने इसी जगह पर खड़ी किया था, मैंने इसके फेयरिंग यहाँ पर स्क्रेचेस आ गए, इसमें देख सकते हो ड्राइवर स्क्रेच, तो इसलिए मुझे स्टिकरिंग में चेंज कर सकता हूँ, बट मैं मुझे पूरा टैंक चेंज करना है तो इसलिए। सो ओके सो भाई जहाँ तक बात करते हैं 390 नई वाली और पुरानी वाली, हम लोगों ने इसकी रेस कर चुके हैं। अरफाज मेरे पीछे बैठा था और उसकी बाइक को और बंदा चला रहा था और मेरी 390 मैं चला रहा था। तो अरफाज क्या सीन हुआ था, क्या बता भाई, क्या हुआ था, क्या बता। सीन ये हुआ था कि एक डोमिनो 400 थी, एक 390 थी पुरानी वाली मेरी और एक ये थी, और वो रेस हम लोग जीते थे और बहुत बुरी तरीके से जीते थे, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से। 168 पे गए थे पीछे से, हम लोग डबल सीट पे वो बाइक 168 पे थे और वो दोनों बाइक बहुत ज़्यादा पीछे छिड़ गई थी। सो सीन ये बाइक कोई भी हो चलाने वाला मैटर करता है, मुझे पता है ये बाइक उससे ज़्यादा भागती है, बट वो चलाने वाले पे मैटर करता है वो कैसा चलता है और कैसा नहीं। हम लोग दोनों डबल सीट पे थे, वो लोग दोनों भी डबल सीट पे थे, और हम लोगों को ज़्यादा पसंद है बहुत अरफात बहुत ज़्यादा मोटा है। ओके सो भाई जिसे देख सकते हो फिलहाल हम लोग अपने मॉल के अंदर, एंड जैसे कि मैं हमेशा तुम्हें पता है मैं KFC के लिए जाता हूँ, बट फिलहाल मैं डाइट पे हूँ तो मैं सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी लूँगा एंड उसके बाद खा जाऊँगा पता नहीं, चलते हैं देखते हैं। ओके सो भाई तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं हम लोग इस कंपार्टमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं, बट ये लड़का बहुत ज़्यादा पागल है, बार बार इस लड़कियों के कंपार्टमेंट में घुसना है पता नहीं क्यों। मुझे मेरे लिए शर्ट दिखना था बट कुछ शर्ट समझ में नहीं आ रहे, कपड़े वगैरह बहुत है पहनूंगा नहीं बट फिर भी चल भी है। तो भाई एकदम मारियो वाला दिख रहा है, सो प्लीज चेंज सस्ती 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 ये हमेशा बंद है। तो अभी हम लोग बैठे घर की तरफ, दिन उसके बाद मैं कहा जाऊँगा हमें पता नहीं, बट हम लोग कहीं ना कहीं जाएंगे। बहुत वक्त के बाद मैं सब पीछे बैठे बहुत मज़ा आता है पता नहीं क्यों, बट मुझे तो बहुत मज़ा आता है अच्छी बात है, तुम लोगों को देखने में आना चाहिए, तुम्हें देखने मज़ा आएगा वो तुझे पता है, कोई इतना एफर्ट लगा के वीडियो शूट कर रहा था तो मुझे तो आना चाहिए ना यार। और थोड़ी देर तुम संभाल लो, iPhone 7 से ब्लॉग शूट करूँगा जब तक मुझे GNX नहीं मिलता, सबको पता है GNX इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ना कोई शोरूम में अवेलेबल ना कोई ऑनलाइन वेबसाइट अवेलेबल, जी सीरीज के कैमरा अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी। तो कुछ जब तक मुझे वो कैम नहीं मिलता मुझे कुछ दिनों तक फोन से ब्लॉग शूट करने पड़ेंगे, एंड जब तक मैं फ़ोन से ब्लॉग शूट करूँगा मुझे पता है क्वालिटी वैसी होगी, मैं उतना अच्छा कंटेंट डालूंगा, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करूँगा, वैसे वीडियो आएंगे आएंगे आएंगे। अभी हम लोग पुलिस वाले पकड़ने वाले बहुत जल्दी, नाकाबंदी सामने लगी और हम लोगों ने हेलमेट नहीं पहना, सो भाई बहुत अच्छी है डब्बा खड़ा है, हम लोग छुप के निकलना पड़ेगा, तो मैं कैम अंदर रखता हूँ। Thank you.
ओके सो गाइस जैसे कि तुम लोगों ने देखा मैं जस्ट अभी वर्कआउट करके घर आया हूँ एंड अभी मैं अपनी डाइट करूँगा इसके बाद मैं थोड़ा सो जाऊँगा और मैं सुबह से उठा हूँ एंड उठने के बाद मैं ये वीडियो एडिट करूँगा एंड इसे कल ड्रॉप करूँगा तुम लोगों के लिए सो ये छोटा सा ब्लॉग था आज के लिए। मैं ट्राई करूँगा अब से हर वीक में 3 वीडियो ड्रॉप करने की, कम से कम 3 वीडियो हर वीक में। ओके सो गाइस जाने के पहले मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने तुम लोगों को शूज़ बताया था, सो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो सब शूज़ बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर पहला लिंक दिया हुआ है, तुम जाके बाय कर सकते हो। सो ये आज के लिए छोटा सा वीडियो था एंड वही सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू गाइस डिड मेक श्योर सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेक्सी बेबी बाय बाय। अगर ऑटो वाला ये वीडियो देख रहा है तो भाई मेरा कैमरा वापस दे दो, ऑटो वाला दे दो।